हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जॉन चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आशा करता हूँ उस परम शक्ति परमात्मा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और साथ ही साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी हम सभी पर बना रहे। और संगीत की शुरुआत करने से पहले एक बार माँ सरस्वती को जरूर याद कीजिएगा दोस्तों, तो हमारा कार्य जरूर सफल होगा। तो एक और नए लेसन के साथ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं। तो आज हम सिखाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत राग है, चंद्र प्रकाश के समान राग भूपाली की स्वर मालिकाएं, स्वर संगतियां आप लोगों को सिखाने वाले हैं हारमोनियम के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा और गुजारिश करूंगा, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो राग भूपाली की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस राग के अंदर पांच पांच स्वरों का प्रयोग होता है। आरोह और अवरोह में ठाट कल्याण का यह राग है। तो राग की खासियत, इस राग को राग भूप के नाम से भी जाना जाता है। शांत प्रकृति का चंद्र प्रकाश के समान एक स्निग्ध वातावरण पैदा करने वाला यह राग माना जाता है। तो दोस्तों, इस राग का जो वादी स्वर होता है वो होता है गांधार यानी ग, और जो संवादी स्वर है इसका वो होता है ध यानी धैवत। तो दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, एक बार जो पूरा पैटर्न है स्वर मालिका का, स्वर संगतियों का, वो राइटिंग में जान लेते हैं आरोह और अवरोह सहित। चलिए, तो आप लोग भी अपनी बुक पर नोट करते जाइएगा, आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिएगा। तो हम राग भूपाली की जो स्वर मालिका है वो राइटिंग में बता रहे हैं। राग भूपाली, राग भूपाली, तो स्वर मालिका ठाट कल्याण का राग है। तो इसका जो पूरा पैटर्न है समझेंगे, इसका जो आरोह होता है, आरोह पहले लिख लेंगे उसके बाद स्वर मालिका का पैटर्न समझेंगे। तो आरोह होता है सा रे गा पा धा सा, सारे शुद्ध नोट्स लगेंगे। और अवरोह, अवरोह होता है दोस्तों सा धा, ये तार सप्तक का सा है, धा पा गा रे सा, ये अवरोह है। और थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाते हैं, अवरोह में कंप्लीट करते हैं, तो रे धा सा, रे धा ये मंद्र का धा है और ये सा, इस प्रकार का इसका पैटर्न होता है आरोह और अवरोह का। तो इस राग की जो मैंने भी बताया जाति ओडो ओडो होती है, वादी स्वर गांधार है और संवादी स्वर धैवत है। इसका जो गायन समय होता है वो रात्रि का दूसरा प्रहर है। तो देखिए, स्वर मालिका का पैटर्न समझते हैं किस प्रकार से है। पांच पैटर्नों में मैं आपको इसकी स्वर मालिका को बताने वाला हूँ, पहले राइटिंग में फिर उसके बाद हारमोनियम पर। तो पहला पैटर्न समझेंगे, देखिएगा। तो पहला पैटर्न हमारा गा से शुरुआत होता है, गा वादी स्वर भी है, तो गा से किस प्रकार का पैटर्न है देखिएगा। पहले मैं पूरा लिख देता हूं उसके बाद बताऊंगा। देखिए, गा पा धा पा, देखिएगा गा रे, देखिए गा पा धा पा गा रे सा गा रे सा धा, ये मंत्र का धा है, ऊपर डॉट लगाया। देखिए, गा पा धा पा गा रे सा धा, पहला पैटर्न इस तरह का है। फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न देखिए, दूसरा पैटर्न है मंत्र सप्तक के पा पर आएंगे, ऊपर डॉट है पा, मंत्र सप्तक का धा, फिर सा रे गा
रे, और ये धा यानी धा मंद्र का है, और सा ये दूसरा पैटर्न है। तीसरा पैटर्न दोस्तों, तीसरा पैटर्न हमारा है, देखिएगा। अब हम तार सप्तक में चले गए हैं, तो तार सप्तक का सा है, सा, फिर धा, पा, गा, फिर धा, पा, गा, रे, सा, गा। ये थोड़ा लंबा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा लगाकर धा, यानी ये धा जो है ये मंद्र का धा है, धा रे सा, ऊपर डॉट है मंद्र। देखिए इस प्रकार का पैटर्न है तीसरा, थोड़ा लंबा है, सा धा पा गा, फिर धा पा गा रे सा गा, फिर धा रे सा। फिर अब हमारा जो चौथा पैटर्न है, चौथे पैटर्न को नोट करेंगे, देखिएगा चौथा पैटर्न क्या है। वो है तार सप्तक के रे पर आ जाते हैं, तार सप्तक का रे, फिर सा धा, रे सा धा, वापस आएंगे रे सा धा, फिर आगे हमारा आ जाता है पा धा पा गा रे धा। ये जो धा है ये मंद्र में है, और ये सा, इस प्रकार का पैटर्न है। देखिए रे सा धा, तार सप्तक का रे है, फिर तार सप्तक का सा है, फिर धा, देखिए फिर पा धा पा गा रे धा सा धा, ये मंत्र में फिर आ जाएंगे वापस करते हुए। हारमोनियम के माध्यम से मैं आपको पूरा डिफाइन करके बताऊंगा किस प्रकार का पैटर्न है। फिर उसके बाद आखिरी में जो पांचवा पैटर्न है, मंत्र का पा, मंत्र का धा, मंत्र सप्तक, फिर उसके बाद सा यानी मध्य, रे गा, फिर धा पा गा रे सा, धा पा गा रे सा। तो ये जो पांच पैटर्न हैं राग भोपाली की, स्वर मालिका कहें, स्वर संगतियां कहें, बहुत खूबसूरत इसका जो अंदाज है वो है। देखिए मैं सी शार्प लिख देता हूँ, सी शार्प से आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी स्केल से इसको तैयार कर सकते हैं, आपका जो स्केल हो, आपकी आवाज़ जिस प्रकार से, अगर आपके पास हारमोनियम है, कीबोर्ड है, जिस प्रकार से आपकी वॉइस मैच उस पर कर जाए, आप समझ लीजिए कि वो आपका स्केल हो सकता है। तो ये पांच पैटर्नों को आप जो है अपनी बुक पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा आरो औरो सहित पूरा जो पैटर्न है इस प्रकार से है। पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न, पांचवा पैटर्न। तो अब हम इसी प्रकार से पूरे पैटर्न को हारमोनियम पर स्लोली स्लोली समझेंगे। देखिएगा बहुत खूबसूरत अंदाज है, पहले राग भोपाली का आरोह और अवरोह आपको मैं समझा देता हूँ, देखिएगा किस प्रकार से है, फिर हम पूरी स्वर मालिका को जानेंगे। तो वर्ज्य स्वर हैं इसमें कौन से, अगर हमने किया है सा रे गा पा धा सा, तो हमारा कौन सा स्वर वर्ज्य होगा, मध्यम और निषाद वो वर्ज्य रहेंगे, मा और नी वर्जित स्वर हैं। चलिए तो देखिए क्या हैं आरो, इस तरह का इसका आरोह औरोह का पैटर्न। देखिए सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे धा सा। तो देखिए स्वर मालिका का पहला पैटर्न जैसे बताया वैसे ही करना है। देखिए गा से शुरू होता है,
सारे शुद्ध नोट्स लगेंगे। पहला पैटर्न गा पा धा पा गा रे सा गा रे सा धा, पहला पैटर्न है। देखिएगा गा पा धा पा गा रे सा गा रे सा धा। देखिए धा समवादि है यानी कि ठहराव वादि से कम, और जो गा है वो राग का प्रधान स्वर यानी राजा स्वर इसको कहा जाता है, तो इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है राग के अंदर तो वो वादि स्वर कहलाता है, ठहराव भी होता है। देखिए तो पहला पैटर्न क्या था हमारा, देखिएगा गा पा धा पा गा रे सा धा, इस तरह से देखिए गा पा धा पा गा रे सा गा रे सा धा। ये पहला पैटर्न हो गया। अब दूसरा पैटर्न करेंगे। देखिए दूसरा पैटर्न क्या था, मंदर सप्तक के पास से हम आए थे यानी कि पा धा सा रे गा रे धा सा। देखिए पा धा सा रे गा रे धा सा, इस तरह से चलेगा। अगला जो पैटर्न है देखिए यहां से आएगा पा धा सा रे गा रे धा सा। दूसरा पैटर्न सिंपल है थोड़ा, देखिए पा धा सा रे गा रे धा सा पैटर्न। तीसरे पैटर्न में हम कहां आए हैं, तार सप्तक। देखिएगा तार सप्तक ऊपर डॉट है, तार सप्तक के सा पर आए हैं यानी कि सा धा पा गा धा पा गा रे सा गा धा रे सा, इस तरह से देखिए तीसरा पैटर्न है सा धा पा गा। धा और गा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है ठहराव के साथ, तो वादी और संवादी का फर्क पता इसीलिए लगेगा। देखिए सा धा पा गा धा पा गा रे सा गा, फिर थोड़ा सा कॉमा मैंने जो लगाया है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर कॉमा है, देखिए सा धा पा गा धा पा गा रे सा गा, फिर कॉमा लगाकर थोड़ा स्पेस देंगे तो धा रे सा, मंत्र का धा है धा रे सा, ऐसे करेंगे। देखिए दोबारा करते हैं पूरा इसको सा धा पा गा धा पा गा रे सा गा धारे सा। देखिए धारे सा स्पेस था तो फिर तीन स्वर एक साथ थे, मंत्र का धारे सा। ये हमारा तीसरा पैटर्न है। अब चौथा पैटर्न देखिए, चौथा पैटर्न क्या है, तार सप्तक के रे से शुरुआत है, रे फिर तार सप्तक का सा, फिर धा पा धा गा ओ पा गा रे धा सा। देखिए क्या है तार सप्तक के साथ से करना है, देखिए रे सा धा, देखिए रे सा धा पा धा पा गा रे धा सा। चौथा पैटर्न है ये देखिए रे सा धा आ, 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 आ।
चौथा पैटर्न है। अब पांचवा पैटर्न थोड़ा सिंपल है। देखिए मंद्र के पा धा, देखिए पा धा सा रे गा धा पा गा रे सा, इस तरह से इसको तैयार करेंगे। जो पांचवा पैटर्न है पा धा, यानी ये मंद्र का पा और धा, यहाँ पर मंद्र है, ये देखिए पा धा सा रे गा, गा पर ठहरा होगा, वादी है, पा धा सा रे गा धा पा गा रे सा, देखिए धा पा गा रे सा। तो इसको करते हैं, देखिए अब क्या है, पा धा सा रे गा पा धा सा रे गा धा पा गा रे सा धा पा गा रे सा पा धा सा रे गा धा पा गा रे सा। ये पांचवा पैटर्न है। तो पांचों पैटर्नों को एक साथ शुरुआत से देखते हैं, देखिए कैसे है, गा पा धा पा गा रे सा गा रे सा धा पा धा सा रे गा रे धा सा सा धा पा गा धा पा गा रे सा गा धा रे सा रे सा धा पा गा रे धा सा पा धा सा रे गा धा पा गा रे सा अब दोस्तों ये तो हमारा जो स्वर मालिका का पैटर्न है, ये जब हम तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, स्वर मालिका के स्वरों के अंदर हम घूमते हैं और फिर हम आकार में अभ्यास करते हैं, आकार करेंगे, ओंकार करेंगे, ओंकार करेंगे, जिस प्रकार से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस प्रकार से अगर इस पैटर्न के अंदर रियाज करते हैं तो स्वरों की समझ बढ़ती है, हमारे गले के अंदर जो है मिठास, हरकतें और तैयारियां जो है संगीत के लिए होती हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा आकार आलाप में, देखो देखिए तरह से होता है आकार आलाप। अगर फास्ट करना चाहते हैं तो देखिए पहले स्लोली स्लोली करें, उसके बाद जब आप स्वरों को साध लें, स्वरों के अंदर जब घूम लें तो अपनी स्पीड को बढ़ाएं धीरे धीरे, फिर देखिए गले में हरकतें मुर्कियां किस प्रकार आती हैं, ये आप खुद अपने अंदर एनालाइज करके जरूर देखेंगे। देखिएगा ये ये मंद्र में और मंद्र में अगर ज्यादा अभ्यास आप करते हैं तो गले के अंदर गमक आएगी, गमक हा हा, इस तरह से हा हा पा धा सा रे गा रे धा सा। फिर हम तार में पहुंच जाते हैं, जो तीसरा पैटर्न होता है, देखिए
ये तीसरा पैटर्न है, साधा पागा धा पागरे सागा धारे सा, इस तरह का पैटर्न है तीसरा वाला। तो आकार आलाप में देखिए, चौथा पैटर्न था तार सप्तक के रे से, पांचवा था तो इस प्रकार से राग के स्वरों के अंदर घुमा जाता है। आपकी रेंज अगर हाई हो तो आप तार सप्तक में भी जा सकते हैं, गा गा तक पा तक, यहाँ तक कि जो अगला सप्तक है यहाँ से शुरू होता है ये। इस प्रकार से आप जो है स्वर मालिका को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुजारिश एक बार और करूँगा, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों जब आप देखते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को पूरी वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग विश्व में जहाँ कहीं भी हो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे दोस्तों, खुश रहेंगे। धन्यवाद।